अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मेरी आप लोगों से काफ़ी दिन से बात नहीं हो पाई, और उसकी वजह ये थी कि मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं ये ट्रैवल व्लॉग्स नहीं बना पा रहा था। मगर फिर भी मैं आप लोगों के लिए रेगुलर ट्रेन वीडियोस डालता रहा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। दोस्तों मैं इस वक्त 14 डाउन आवाम एक्सप्रेस में, और इस वक्त मेरी ट्रेन के लीड पर है लाहौर चढ़कर Z03-6318। दोस्तों ये मेरा सफर हो रहा है पन्नाकुल से लेकर कराची तक का, और दोस्तों इस जर्नी के शुरू के दो पार्ट्स मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पार्ट 1 में हम पन्नाकुल से लेकर रोहड़ी तक आए, और पार्ट 2 में रोहड़ी से लेकर हमने यहीं अपना सफर खत्म किया था। तो अब ये मेरे उसी चढ़ने का पार्ट 3 है, जिसमें हम हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों ट्रेन इस वक्त तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो चुकी है। तो जैसा कि आप लोग ये बात जानते हैं कि पेशावर से लेकर कराची तक की ये ट्रेन है, तो अगर ये 1-2 घंटे लेट भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस ट्रेन का रूट बहुत लंबा है, और इतने लंबे रूट होने की वजह से कभी कभार ऐसा हो पाता है कि ये ट्रेन अपने राइट टाइम पर कराची पहुँचे। तो दोस्तों इस वक्त ट्रेन डीथा रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है। और मुझे लग रहा था कि ये ट्रेन यहाँ पर रुक जाएगी, मगर शुक्र है कि यहाँ पर नहीं रुकी, और अब हमारा अगला स्टेशन होगा हैदराबाद जंक्शन। दोस्तों इस वक्त मेरे सामने से एक ट्रैक मेंटेनेंस मशीन आ रही है, तो चलें पहले उसका क्रॉस एंजॉय करते हैं, और उसके बाद हैदराबाद रेलवे स्टेशन से पहले 3 बड़ी नहरों के ऊपर से ट्रेन का ट्रैक साउंड एंजॉय करेंगे। और फाइनली हमेशा की तरह ट्रेन हैदराबाद आउटर पर रुक गई। दोस्तों तकरीबन 5 मिनट हैदराबाद आउटर पर रुकने के बाद हमारी ट्रेन को फाइनली सिग्नल दे दिया गया, और अब हमारी ट्रेन काफी सारे ट्रैक्स चेंज करते हुए हैदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है। दोस्तों तकरीबन 20 मिनट स्टॉप के बाद हमारी 14 डाउन आवाम एक्सप्रेस हैदराबाद रेलवे स्टेशन से चलने लगी है, और इसी दौरान आप लोग देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक फ्रेट ट्रेन खड़ी हुई है, जो कि इतनी लंबी है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर भी नहीं आ सकी।
इसी के साथ ही अब हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं मेहरान ब्रिज पर और फिर उसके बाद मेरा फेवरेट रेलवे स्टेशन कोटरी जंक्शन। दोस्तों अगर आप यही मेहरान ब्रिज का नज़ारा ट्रेन के इंजन से देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा और वो ये है कि अगर हेडफोन्स करीब में है तो लगा लें क्योंकि अब हम एक बहुत ज़बरदस्त ट्रैक साउंड एंजॉय करने वाले हैं। कोटरी जंक्शन तो मेरे वेलकम के लिए खड़े हुए थे दो RGE-20 और एक GMU-15।
दोस्तों कोठरी जंक्शन पर भी हमें हैदराबाद जंक्शन की तरह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही लिया जा रहा है। दोस्तों तो जैसे हम कोठी जंक्शन से निकलने लगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ZCU-30 के साथ एक ट्रेन आ रही थी, तो ZCU-30 को देखते ही मैं समझ गया कि ये ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ही होगी। दोस्तों ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को बिल्कुल नया रेक लगा हुआ था, और आप लोग ये खुद भी देख सकते हैं कि कोचेस किस तरह चमक रहे हैं। तो दोस्तों अब हम ट्रैक्स चेंज करते हुए मेन लाइन पर चढ़ रहे हैं और कोठी जंक्शन को अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपके पास मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इन्जॉय करेंगे कराची से आने वाली अब ट्रेन की 14-9 नवाम एक्सप्रेस के साथ फास्ट ट्रेन क्रॉसिंग्स, और साथ साथ इन्जॉय करेंगे ट्रेन से पहाड़ों के पीछे सूरज से गुरूब होते हुए। तो अब आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।